हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का अभी 7 बज रहा है और हम लोग सुबह ही उठ गए थे, 5:30 बजे उठ गए थे। इनको आदत हो गई है ना, तो अब देर तक नहीं सोया जाता है। और मुझे अगर टाइम मिलता तो मैं जरूर सोती, क्योंकि इतना थकावट हो गया था ना कि मन ही नहीं कर रहा था कि हाँ उठने का। लेकिन अब ये उठ गए थे तो मुझे भी उठना पड़ गया। और चाय अभी तक नहीं पिए हैं, ये दूध लेने के लिए गए हैं क्योंकि दूध था ही नहीं। रात में ही मुझे ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा था कि अदरक वाली चाय पिए, लेकिन दूध नहीं था। तो अभी ये दूध लेने के लिए गए हैं और दोनों बच्चे ना अभी तक सो रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे जिया सो रही है, वहां पे जीसू सो रहा है। तो बहुत सारा काम अभी है और मन तो नहीं कर रहा है। एकदम थकावट जो होती है ना, ये रास्ते वाली बहुत गंदा रास्ता था, बहुत गंदा रास्ता था, तो उससे हम लोग ज्यादा थक गए। और रात में खाना भैया दिए थे, आलू गोभी की सब्जी, दाल चावल रोटी सब कुछ था, लेकिन खाने का मन नहीं किया। हम लोग आए 11 बजे, आए बस, मुंह हाथ धोए, ड्रेस चेंज किए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो था ना वो खा खा के हम लोग 11:30 बजे से पहले ही हम लोग सो भी गए थे, इतना थक गए थे। तो खाना देखिए तो अभी ना पूरा पड़ा हुआ है। सब लोग थोड़ा थोड़ा खा के और सो गए थे। और आलू गोभी की सब्जी और दाल फ्राई बहुत टेस्टी था, खाना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बस ये था कि मन नहीं कर रहा था। तो सोच रहे हैं कि अभी सुबह सुबह पहले वॉशिंग मशीन निकाल दें और सब धुलने के लिए डाल दें, क्योंकि वहां पे ना मैं कुछ भी धो ही नहीं थी। अच्छा नहीं लगता ना कि कहीं जाओ और वहां पे धोने धो बैठ जाओ फिर सुखाओ, क्योंकि उनके वैसे भी ना मेहमान थे, तो इसीलिए मैं धो ही नहीं थी, कुछ भी धोने वाला नहीं था। तो अब चलेंगे वॉशिंग मशीन निकालेंगे सबसे पहले और धोना शुरू करेंगे। और ये देखिए घर, कल हम लोग आए थे तो पूरा घर साफ था, लेकिन फिर से वही हो गया है। आगे वाला रूम तो और देखने लायक नहीं है, पूरा सामान एकदम फैला हुआ है। तो अभी इनसे बोले हैं कि ब्रेड लेकर आइएगा, बहुत दिन हो गया ना ब्रेड नहीं खाए, ब्रेड मक्खन और चाय। तो आज नाश्ता वही करेंगे और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि आप लोग ना बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप लोगों को परेशान देख के ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे पता है मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी ये जॉब है ना, तो मुझे तो अपने टाइम पे टाइम करना ही पड़ेगा। तो बस कोशिश ये करेंगे कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल के एक वीडियो अपलोड कर दे। और सबसे बड़ी जो टेंशन है ना, जब मैं वहां पे गई तो हम लोग का जो टूर था, हम 1 तारीख को गए थे और 13 तारीख को आए, तो यानी कि 13 दिन का हम लोग का था। तो बहुत दिन हम लोग वहां पे रह गए, बहुत दिन रह गए। तो मेरा ना मेमोरी कार्ड एकदम फुल हो गया था, वहां पे फुल हो गया था। तो उसके बाद फिर दूसरा इसमें लगा दिए, तो अब ये वाला मेमोरी कार्ड निकलेगा, फिर वो वाला लगाएंगे, उसके बाद ही वीडियो अपलोड करेंगे। और सारा वीडियो का ना खिचड़ी बन गया है, क्योंकि सिर्फ मेरे ही फोन से वीडियो नहीं बना था, जेबा भी बनाई थी, जीसू भी बनाया था, ये भी बनाए थे, और भी बच्चे थे ना वो लोग भी बनाए थे। तो सबको सबका वीडियो ना व्हाट्सएप पे ही आ रहा था, कोई ऐसे कर रहा था, तो पूरा खिचड़ी बन गया है। पूरा छाटना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और कुछ तो बिलाल भी दिया है, बिलाल जिसकी शादी थी ना उसके बारे में, तो वो भी वीडियो दिया है, क्योंकि वो उसकी तो खुद ही फोटोग्राफी और स्टूडियो है ना, तो वीडियो उससे भी मैं ले ली थी, क्योंकि बारात में मैं गई नहीं थी और जीसू उतना बनाया नहीं था, तो वो मुझे दे दिया था। और हाँ, उसके ना क्या कहते हैं कि प्री वेडिंग जो शूट हुआ था ना, उसकी भी मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। चाहते हैं कि शेयर करें, क्योंकि ये सब जो चीजें होती है ना वो हमेशा यादगार के तौर पे रहती है। तो मैं उसे बोली कि मैं अपलोड कर दूं, तो बोला हाँ भाभी। और उसका खुद का चैनल है, लेकिन वो कब अपलोड करेगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं उससे पहले ही अपलोड कर दूं। तो बस ले लिए हैं और एडिट करेंगे, चलेंगे। आप लोग को दिखाते हैं आगे वाला रूम कितना फैला है, सारा सामान ना रात में सिर्फ कार में से निकाल निकाल के और ऐसे ही बच्चे रख दिए। और अब सूटकेस खोल खोल के ना सोच रही हूँ धो धो के ही रख दू, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर टाइम लगेगा।
आगे वाले रूम का हाल। और अभी एक बैग आया नहीं है, एक बैग जो बैग की कार में था ना, हम लोग की जो कार है ना उसका डिक्की बहुत छोटा सा है, तो हम लोग की एक ही सूटकेस आ पा रही थी। और इरफू आगे बैठा था ना, तो वो पीछे पूरा सीट करके आराम से बैठ रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो आगे में पूरा आराम से। इसीलिए हम लोग एक बैग ना जुबैर की कार में रख दिए थे, नहीं तो फिर आगे रखना पड़ता सीट के आगे, तो फिर उसको प्रॉब्लम होती। तो अभी जो बैग आ चुका है वो इनका और जीसू का आ चुका है, हम लोग का नहीं आया, मेरा और जिया का। तो सोच रहे हैं इन लोग का पहले धो के हटा दे, और उसके बाद फिर जब बैग वो वाली आएगी ना तो फिर हम लोग धो लेंगे। अभी एक साथ नहीं धुल पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही धोना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, वॉशिंग मशीन निकालते हैं, बच्चे अभी सो ही रहे, तब तक जल्दी से वॉशिंग मशीन ऑन कर दें। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अभी रात का हो रहा है, 7:30 हो गया है, 7:40 हो रहा है, और खाना चढ़ा दिए हैं। तो ये लेकर आए थे गोड़ी, क्योंकि बच्चों को भी रास्ते का जो हवा लगा है ना, तो गोड़ी बहुत फायदा करता है, यानी कि पाया निहाली जो भी है, तो वो है, तो वो चढ़ा दिए हैं। बनने में टाइम लगता है ना, तो काफी देर से चढ़ाए थे। अब उसे जब खुल जाएगा, सीटी खुल जाएगी, उसके बाद हल्का सा भून के फिर बच्चों को दे देंगे, रोटी बना देंगे। बहुत दिनों बाद अपने घर का खाना खा के ना बहुत अच्छा लगता है। सारी दुनिया घूम लीजिए, आपको हर सुविधा मिल जाए, लेकिन अपने घर जैसा ना कहीं स्वाद मिलता है और ना ही कहीं सुकून मिलता है। तो घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और आज सुबह से जो वॉशिंग मशीन में धोना स्टार्ट किए थे ना, तो 1-2 बज गया था धोते धोते। और आज हम लोग अपना नहीं धोए, अपना मतलब कि जिया का और मेरा नहीं धुला है, क्योंकि सूटकेस नहीं आया था ना, बाद में ये लेकर आ गए और रख दिए हैं। कल नहीं परसों वॉशिंग मशीन निकालेंगे, तो फिर हम लोग का धोएंगे। आज इनका और जीसू का दोनों का पूरा सब धो के रख दिए हैं, और अब उसे तह लगा लगा के सब रख देंगे, तो आधा टेंशन खत्म हो गया। अब जब कहीं आइए ना कहीं से, तो फिर ऐसे गंदा संदा रखने में ना मजा नहीं आता। और मेरी आदत ये भी है कि जो साफ भी रहता है ना उसके साथ रहता है, तो मैं सब कुछ वॉश कर देती हूँ, जो भी साफ था वो भी और जो गंदा था वो भी। तो यहाँ पे लेके बैठे हैं कि मामा के यहाँ से क्या क्या मिला है हम सबको, तो वो दिखा दे, नहीं तो बच्चे हैं ना फिर खा पी लेंगे, सब खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं दिखा नहीं पाऊंगी। वैसे हिम्मत बिल्कुल नहीं था, बहुत ज्यादा थकावट थकावट सा लग रहा है और नींद भी आ रही है। दोपहर में सब धोने के बाद मैं सो गई थी, 1-2 घंटा सोए और उसके बाद फिर उठ गए थे। लेकिन अभी क्या है ना, कुछ दिन तक नींद पूरी नहीं होगी, और वीडियो को एडिट भी किए और आज अपलोड भी किए एक वीडियो, और देखिए फिर कल से आप लोगों को लगातार वीडियो मिलेगी। कोशिश करेंगे कि लगातार आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि क्या क्या मिला है। पहले तो पीछे ऑरेंज देख लीजिए, रास्ते भर हम लोग ऑरेंज खाए, लेकिन फिर भी अभी पूरा पड़ा हुआ है और खत्म नहीं हुआ। और क्या मिला है, मीठे में मिला है गाजर का हलवा, वो जो वहां का जो फेमस वाला जो रेस्टोरेंट था ना, वो वहां से, तो गाजर का हलवा वहां का फेमस है। और जब भी रिजवाना जाती है तो मामानी जरूर भिजवाती है, और शादी में मिठाई तो देना ही था, तो गाजर का हलवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है। महंगी है वहां की जो शॉप है ना, ये स्वीट वाली, वो बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। तो लेकिन काफी अच्छा, ये देखिए इस तरह से पैक करके देते हैं, और जो कि अभी गरम करके और खाने में हम लोग खाएंगे। बहुत अच्छा है, तो इसको भी साइड कर देते हैं। और क्या मिला है, हाँ, और ये मामा दिए हैं मेरे लिए कि हम थोड़ा मोटे हो जाएं। इसमें काजू बादाम है, इतना सारा ये काजू बादाम है, बहुत सारा था, तो बोले रास्ते भर खाते खाते जाना। ये देखिए हम लोग कितना सारा तो काजू वजू खा लिए, और छुआड़ा भी है और काजू भी है, तो ये पूरा भर के दिए हैं मेरे लिए कि ये खा के मोटी होगी। वहां पे ना जो भी आ रहा था जा रहा था मुझे खाने के लिए दे रहा था। सब लोग बोल रहे थे कुछ खाती नहीं है क्या, इतना सारा है, बादाम खाएंगे, काजू खाएंगे और गाजर का हलवा बनाएंगे, और कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा। और क्या मिला है वहां से, नारियल,
और लड्डू, जो कि ये नारियल ना हमेशा मामा के यहाँ कोई किसी का भी शादी होता है ना तो हम लोग के लिए जरूर आता है, वो विदाई में जरूर देते हैं। तो लड्डू है ये, लड्डू दुल्हन के यहाँ से आया था, वो खाजा और जो लड्डू आता है ना चौथी में, तो ये वो था। खाजा हम लोग लेके नहीं आए क्योंकि खाजा रास्ते भर में पूरा चूर हो जाता, तो हम लोग सिर्फ लड्डू और नारियल लेकर आए। ये गजाला की शादी, गजाला एक तरह से ना हम लोग की बहन भी लगती है, तो अपने में हेरा फेरी वाला हुआ है। और ये मेरी चूड़ी मिली है, वहां से सूट मिला था ना, तो सूट पर का चूड़ी, क्योंकि हम लोग के यहाँ सूट खाली नहीं दिया जाता है, तो उस पे चूड़ी, और चूड़ी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, तो इसे कभी किसी के साथ मैच करके पहना जा सकता है। बाकी जीसू सामने बैठा है, ये अपनी जीन्स निकाल दिया है, तो जीसू की जीन्स नहीं मिलेगी और बाकी सबका कपड़ा मिल जाएगा। तो ये है इनकी शर्ट जो हम पसंद करके हम पसंद करने गए थे। 2 बार हम लोग गए, और उसके बाद एक बार जब जुबैर लाया तो मीडियम लेकर आया था, वो दूसरा कलर लेकर आया था। फिर जब हम लोग गए तो कलर कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे यही कलर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे सूट का कलर है और इसमें का वो पठानी सूट पहनते हैं ना, तो कलर उनके ऊपर खिलता है, तो हम और जुबैर दोनों लोग यही शर्ट चुने। तो ये इनके लिए मिला था मामा के तरफ से, ये सब हम लोग को वहीं से मिला है। और इनकी पैंट, तो ये है इनकी पैंट, जीसू अपना पहन चुका है, और ये इनकी है। सब चीज अच्छा मिला है वहां पे। हम लोग को ना 10 दिन 12 दिन, 12 दिन हम लोग थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कैसे बीत गया। और टाइम, बस टाइम पे हम लोग खाना खाने, जैसे घंटी बज रही थी ना, खाना रेडी हो गया, बस हम लोग खाने के लिए दौड़ जा रहे थे टाइम से, और कुछ परेशानी नहीं थी। 2 रूम मिल गया था तो कोई चीज का वो नहीं था। और ये टी शर्ट मिली है जीशु को, ये मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है, ये देखिए टी शर्ट, ये सारी पसंद रिजवाना की है, और रिजवाना बहुत अच्छा अच्छा सबके लिए लेकर आई थी, तो मुझे अच्छा लगा। और जीशु की जीन्स बताए, जीशु पहन लिया था उसे, हम लोग मजार पे जा रहे थे ना, तो कोई साफ पैंट नहीं था तो नया ही निकाल लिया। और ये जिया के लिए, जिया को बहुत पसंद था, तो ये लाइनिंग वाली जो आजकल पैंट चली है ना, ये वो है, और इसके ऊपर का ये टॉप दिखाते हैं, ये देखिए, ये आस्तीन, और काफी अच्छा मुझे लगा। और अब दिखाते हैं अपना कि मुझे क्या मिला, और मुझे मिला ये सूट। और मेरा और बाजी का सेम डिजाइन है, बस कलर थोड़ा सा अंतर है, बाकी ये सूट मिला। इसका दुपट्टा भी काफी एकदम हैवी वाला है, ये अच्छा लग रहा है ना कलर। और इस कलर का ना, मैं जब मेरी जब नई नई शादी हुई थी तब मैं पहनी थी, और उसके बाद फिर ये कलर नहीं मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक लास्ट में जो इनको मिला, हम लोग को नहीं मिला इनको इनको मिला, क्योंकि भांजा गए थे ना तो इनको मिला। तो ये चांदी की अंगूठी, मेरे ख्याल से जितने भी गए थे उनके भांजा जो भतीजा जो भी थे ना, सबको मिला था ये अंगूठी। बहुत अच्छी अंगूठी मिली है, और काफी बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऑरेंज के साथ साथ मिला था अंगूर भी मिला था, जो हम लोग रास्ते भर में खा लिए, बस इतना ही है, इतना बस नहीं, बहुत ज्यादा मिला है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं। जीसू भी पीछे से बाय बाय कर रहा है, सामने आके बाय करो, जल्दी 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 जल्दी। अरे देखो, सब लोग बोलते हैं ना कि जीसू नहीं आता है, देखो हिलाओ मत, देखो हिला रहा है। हाँ बाय।
तो चलिए फिर मिलते हैं, लाइक करते हुए जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, और शेयर करना तो बनता ही बनता है। अपना प्यार और सपोर्ट बस ऐसे ही बनाए रखिए, 5,000 बस होने वाला है आप लोग का प्यार रहा तो। ये वीडियो मेरे ख्याल से पहुंचने से पहले ही 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो खूब धूमधाम से पार्टी किया जाएगा, क्योंकि बर्थडे तो नहीं मना तो कम से कम 5,000 तो सेलिब्रेशन बनता ही बनता है। तो चलिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।